रोमियो मेरी पसंद की लड़की से शादी करेगा। रोमियो मेरी पसंद की लड़की से शादी करेगा। मेरी पसंद की? मेरी पसंद की। हाँ पापा, आप लोग क्यों हर वक्त लड़ते रहते हैं? मैं नहीं लड़ रही, अपने पापा से पूछो, इन्हें बहुत शौक है बेजोड़ रिश्ते लगाने का। रोमियो, आज फैसला हो जाए, तुम किसकी पसंद की लड़की से शादी करोगे? मैं पापा की पसंद की लड़की से शादी नहीं करूंगा। मामा, मैं आपकी पसंद की भी लड़की से शादी नहीं करूंगा। है तो फिर किससे शादी करोगे? वो एक्चुअली मुझे ऑलरेडी कोई पसंद है। पता नहीं, तुम जानती हो? पहले तो कभी जिक्र नहीं किया, पता नहीं किस फैमिली की है, क्या स्टेटस है उनका? मैं भी यही सोच रहा हूं। मुझे टेंशन हो गई, मैं अपसेट हूं। नहीं नहीं डॉक्टर साहिबा, रिलैक्स, कुछ करते हैं। अरे मेरा बेटा आया है रोमियो, आजा आजा, तुम्हारे पापा अभी तुम्हारा जिक्र कर रहे थे। कैसे जा रही है हमारे बेटे की स्टडी? हेलो, आप क्लिनिक फोन करके टाइम ले, मैं बिजी हूँ। रोमियो बेटा, कभी हमें भी टाइम दिया करो। रोमियो बेटा, वो उस दिन तुम क्या लड़की का जिक्र कर रहे थे, मजाक कर रहे थे ना? नहीं, मैं सीरियस था। अच्छा, तो कौन है वो लड़की? आई मीन किस फैमिली से है? पहले ऐसा करो, हमें उस लड़की से मिलवाओ, फिर बाकी चीजें देख लेंगे। तुम्हारी मामा बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम ऐसा करो कल उसे लंच पे बुला लो। कल? हाँ। परसों 3 बजे? डन डन। मामा पापा ने बोले अपनी पसंद की लड़की से मिलवाओ, अब मैं हीर को कैसे कहूँ? मेरा ख्याल है यही कहूँ कि मामा पापा से मिलवाना है। वो आ रही है। और उसके बाद हीर, रोमियो ने तुमसे कुछ कहना है। वेलकम जी, वेलकम, बोलो क्या कहना है। बोल रोमियो, इसे हेल्प चाहिए, करो बात। हाय हीर, कैसी हो? इसमें तो मैं कोई हेल्प नहीं कर सकती, कोई और हेल्प है तो बताओ। इसके मामा पापा ने कहा है जो लड़की इसे पसंद है ना, उसे हमसे मिलवाओ। तो मसला क्या है, जाके मिलवा दो। पर उसे कैसे बताएं जो इसे पसंद है? मैं तुम लोग की हेल्प करती हूँ। कहाँ जा रही है, इसको क्या समझ आई है? तब बोलना था ना, ऐसा कर फरियाल को ले जा। मुझे पसंद की लड़की से मिलवाना है, प्लास्टिक की लड़की से नहीं। फरियाल तुम्हारी अम्मा को पसंद आ जाएगी, और 33% तुम्हारी अम्मा ने ही फरियाल को बनाया है। रोमियो तुम यहाँ हो? वहां लड़कियों की लंबी लाइन लगी है तुम्हारे लिए। मेरे लिए क्यों? अपने माँ बाप से मिलवाने ले जाने के लिए। तुमने नोटिस बोर्ड पे लगाया ना उधर? गर्ल्स प्लीज इसे जरूर पढ़ें। रोमियो को अपने मामा पापा से मिलवाने के लिए पसंद की लड़की दरकार। पसंद की लड़कियां कौन रब्ता करें?
ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं, नोटिस है। ये जरूर हीर ने किया होगा। भूख लग रही है। कितने आलू के समोसे? गर्मा गर्म समोसे आपके लिए। शाबाश। नहीं, मैं ये इनके लिए लेके आया हूँ। मुझे भी दे दिया करो कभी। क्यों? ठूस लो, रो मत, पकड़ो। नहीं ना। हीर, तुमने मेरा इश्तेहार नोटिस बोर्ड पे लगा दिया, तुम ये कैसे कर सकती हो यार? तुम ही ने तो कहा था कि तुम्हारी हेल्प करूं, तो मैंने कर दी। अरे हेल्प करने को कहा था यार, ये हेल्प करना होता है? तुमने तो मेरा मजाक बना दिया हीर। वो टेंशन नहीं लो यार, कोई ना कोई लड़की तुम्हारे पेरेंट्स को पसंद आ जाएगी। मैंने तो दूसरे नोटिस बोर्ड पे तुम्हारा नंबर भी लिखवा दिया है, अभी तक कोई कॉल नहीं है क्या? आ गई। उठाओ ना बेचारी का फोन, क्या पता तुम्हारे पेरेंट्स को पसंद आ जाए। मुझे कोई लड़की नहीं चाहिए हीर। लो, तुम्ही ने तो कहा था। अरे दूसरे उठाओ ना, जितनी मर्जी चाहे ले जाओ अपने पेरेंट्स से मिलवाने। मैं तुमसे अपने पेरेंट्स को मिलवाना चाहता था हीर। मैं सुबह यही तो बात करने आया था तुमसे। इस तरह तुम्हारे साथ तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने नहीं जाऊंगी। तो कैसे जाओगी? क्या मतलब कैसे जाओगी? प्रपोज करो मुझे, ऐसी मुंह उठा के चली जाऊं? हीरो मैं, इतना हल्का नहीं लेना मुझे। तुम्हारे पास वैसे रिंग वेंग तो होगी नहीं। चलो तुम्हें स्टूडेंट कंसेशन देती हूँ, जाके फूल तोड़ के लाओ मेरे लिए। हाँ जाओ जल्दी। जल्दी ये लो, अब चलो। ये क्या था? प्रपोज कर रहे हो, मेरे मुंह पे फूल मार रहे हो? तुम तो बस नाम के रोमियो, रोमांस का तो अलिफ्बे भी नहीं आता तुम्हें। ग्रामर मिस्टेक हो गई मुझसे। रोमांस का तो एबीसी होता है, अलिफ्बे तो मोहब्बत की होती है। चलो रिटेक करो। क्या करूं? घुटनों के बल बैठकर मुझे प्रपोज करो। आओ हीर, ये सब नहीं होता मुझसे। अच्छा तो फिर मैं जा रही हूँ, बहुत बिजी हूँ मैं। अच्छा हीर, लोग क्या सोचेंगे? लोग क्या सोचेंगे ये सोच लिया, हीर क्या सोचेंगे ये नहीं सोचा। अब शर्मा क्या रहे हो, आंखें बंद करके करो। हीर लास्ट टाइम कह रहा हूँ, फिर चलना होगा। हाँ हाँ हीर, I really love you. Will you marry me? हीर, हीर जल्दी करो, लोग देख रहे हैं, मुझे शर्म आ रही है। रोमियो, हीर ये क्या मजाक है, बस फूल ले लो, बहुत डरावनी आवाज है कसम से। हेलो रोमियो, अतमीज इसको पे। What are you doing here? Sir, क्या बदतमीजी है? Go to your class. Get out. Get out. है तुमने गाड़ी यहाँ क्यों रोकी? ये मेरा घर है। तुमने ग्राउंड में घर बना लिया, मतलब इतनी जगह जाए की? हाँ तो पूरी कॉलोनी बन सकती थी। जल्दी अंदर आ जाओ, मेरे मामा पापा टाइम के बहुत पाबंद है। Come on. हाँ रुको। हाय मामा पापा, सॉरी लेट हो गए। ये हीर है। ओह एक मिनट, हीर आओ ना। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? असल में ना वो आप ये मत समझिएगा कि मेरी एक टांग छोटिया पड़ी है।
वैसे आंटी ये ना किसी मर्द की इजाद है, फजूल में औरत को 6 इंच ऊंचा किया हुआ है जमीन से। कौन? ये वीडियो लेट मी गेस, आप में से रोमियो की मामा कौन है और पापा कौन है? आप मामा है और आप पापा। वो जोक था। तुम दोनों कब से एक दूसरे को जानते हो? आपको पता है मेरी और हीर की ना शुरू से ही कैंपस में हमेशा लगती थी एक दूसरे से। ये 1 साल जूनियर है मुझसे। उन्होंने सवाल मैथ का पूछा और जवाब तुम इमरानियत का दे रहे हो। आपके पापा क्या काम करते हैं? आपको पता है हीर ना यूनिवर्सिटी की बेस्ट स्टूडेंट है, हर सेमेस्टर में टॉप करती है ये। हकीम है। नसरीन खाना लगाओ, मुझे क्लिनिक के लिए लेट हो रहा है। वाह, खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है, ये क्या है? क्या लोगी हीर? दो नहीं है मुझे। सही है, रोटी दो। ये मजे का है, किसने बनाया है? मुलाजमा ने। वाह, अरे आप लोगों ने अपने घर में क्यों सेब रखे हुए? डॉक्टर्स के घर में तो सेब नहीं होने चाहिए, लोग तो डॉक्टरों से बचने के लिए घर में सेब रखते हैं। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। वाह वाह, आप लोग क्यों नहीं खा रहे? आप खाए ना। मेरे दोस्त ने हीर के लिए एक रिश्ता बताया। इस बार मेरे जैसा दामाद ढूंढने की कोशिश करें, मुश्किल तो बहुत है लेकिन बहरहाल कोशिश फुल करें। नजर भाईजान आप जैसा पीस एक ही है। क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि आप जैसा पीस तो और मिलेगा नहीं, तो कोई अच्छा लड़का ढूंढना चाहिए ना। हाँ ये ठीक है। क्या मतलब है तुम्हारा अच्छा लड़का? मैं अच्छा लड़का नहीं, आफ्टर ऑल मैं दामाद हूं, मेरी कोई इज्जत ही नहीं है और लोग दूर दूर से सलाम करते हैं मुझे। दूर दूर से सलाम क्यों करते हैं? कोई पास क्यों नहीं आता? अफलातून चल जावा खाने, खुद भी फारिग दिमाग भी फारिग। रोमियो को बता दें कि आपको हीर कैसी लगी। आप बताएं ना। बता दो ना शहनाज। आप बताएं ना। अरे कोई मुझे बताएगा कैसी लगी? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। क्या मतलब? उससे शादी का सोचना भी ना। वाह मामा पापा वाह, क्या जहनी हमाहंगी है। तुम्हें बड़ा पता होता है किसको क्या बात बतानी है। वैसे मुझे पता है रोमी मुझे क्या बताने वाला है, यही ना कि उसके घर वालों को पसंद आ गई हूँ। ऐसा हो सकता है कि कोई हीर को ना पसंद करे, क्यों रोमियो? यही बात है ना? हाँ बात तो यही है, पर सोच रही हूँ कि अगर मेरे घर वालों को रोमी पसंद नहीं आया
तो क्या होगा? रोमियो देखो अभी से प्रैक्टिस कर लो, गलती का मार्जिन जीरो। फिर अगर तुम्हारे घर वालों को रोमियो पसंद नहीं आया तो क्या करोगी? तभी तो मजा आएगा प्यार में ट्विस्ट का। वो लव स्टोरी ही क्या जिसमें ट्विस्ट और हीर ना हो। करोगी क्या? अरे मैं भाग जाऊंगी। मतलब रोमियो को भागना पड़ेगा? अरे रोमियो को भागेगा, रोमियो के घर वालों को तो पसंद आ गई ना, ऐसी लड़की तो उन्हें ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। अभी तो बगैर ढूंढने ही मिली है। चलते हैं। हाँ कहाँ जा रहे हो? तो चलते हैं, हीट क्लास है। अरे चिप्स तो ले लो। देखो तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए गलत नहीं सोच सकते हैं, और फैमिली में शादी करने के बहुत फायदे होते हैं। मामा ये आप कह रही हैं? I can't believe। बेटा अब तुम ऐसी ऑप्शंस दिखाओगे तो हम और क्या कह सकते हैं? मामा मैं हीर से मोहब्बत करता हूँ। अब मैं उसके अलावा और किसी से शादी नहीं करूंगा। राजू साहब सख्ती करने पे कोई गलत स्टेप ना ले ले। गलत स्टेप तो ले लिया, देखा नहीं उसने कैसे बात की हमारे साथ। अब्बा दवा खाने चले गए, हम मिलाए और साथ में हेडमास्टर की तस्वीर भी साथ में। दिखाओ मुझे। ये हेडमास्टर कम परचून की दुकान वाला ज्यादा लग रहा है, हटो इसे। अरे इसके अब्बा की अपनी दुकान है परचून की। बेटे के चेहरे पर थोड़ा बहुत तो आएगा ना, जैसे मैं शक्ल से हकीम लगता हूँ। जरा दिखाना मुझे। मतलब बाल चाल कटवा के इसके अगर मुंह दुला दे तो अच्छा खासा माकूल आदमी है। अरे मुझे भी तो दिखाओ। आए हाय हाय ये तो गुद करता है। वैसे ही अगर ये बाल बिखेर के तुम्हारे साथ बैठ गया तो मैं सांस की कमी महसूस नहीं होगी। अरे स्कूल में पढ़ाने के बाद शाम को ट्यूशन भी पढ़ाता है, बहुत ही मालदार है, और मोटरसाइकिल भी बस नई ही है, पहले धक्के में स्टार्ट हो जाती है। और अगर लंबे बाल अच्छे ना होते हो ना तो नजर भाई की तरह कड़वे तेल की मालिश करवा लेंगे। हाँ तो गई, मतलब अभी हेडमास्टर से मिलके नहीं आए और नजर भाई के मतलब हेड पे मस्करियां शुरू। भाई वहां पे बहुत अच्छे, मतलब आफ्टर ऑल मैं दमाद हूं यार, मेरी कोई इज्जत है कि नहीं इस माचरे में यार, मतलब हाथ धो गई यार। ओहो एक तो आपकी इज्जत हमेशा खतरे में रहती है। बात तो करके देखो अपने मामा पापा से, शायद मान जाए वो। बात करके देखिए, वो मानने के बजाय मुझे और लड़कियां दिखा रहे हैं, कह रहे हैं इससे कर लो, ये ठीक नहीं तो उससे कर लो। मुझे तो लगता है अगली मुलाकात तक पता नहीं कितनी बड़ी लिस्ट आ जाएगी लड़कियों की। तो कर ले यार, चार तक तो चलता है और इसी में हीर भी एडजस्ट हो जाएगी। मैं सीरियस हूँ यार एलिफेंट, तुझे हर वक्त मजाक ही पड़ी रहती है। परेशान तो मैं भी बहुत हूँ, एक मैं हूँ जिसे एक नहीं मिल रही और तुम्हारे लिए लंबी लाइन लगी हुई है। ये किस लाइन की बात कर रहा है एलिफेंट, इधर तो मेरे रिश्तों की लाइनें भी खत्म नहीं हो रही। अब क्या हुआ? पहले हीरांचो के रिश्ते आते थे, अब हेडमास्टरों के रिश्ते आने लगे। सॉरी मैं कुछ समझा नहीं। इस बात को छोड़ो, अब तुम्हारी बारी मेरे घर वालों को मुतासिर करने की। उन्होंने इतवार को हेडमास्टर को बुलाया। क्यों हीर, मेरी डिग्री टेस्ट करवानी है या शादी का कोई प्री टेस्ट है? मेरे रिश्ते के लिए बुलाया है, इससे पहले कि वो आके मिल ले तुम आके मिल लो। मिलूं गांव से? घर आके मिलो। अब देखो मुझे पता है तुम्हारी पर्सनैलिटी मेरे जैसी तो है नहीं कि मेरे घर वाले फौरन मुतासिर हो जाएं तुमसे, और अगर वो तुम्हें बर्गर कह के बुलाए तो ये मत समझना कि ऑफर कर रहे हैं।